हेलो गाइस, तो मेरा नाम है जशान खान। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये मेरे हाथ में आप जैसा देख पा रहे हैं, ये है एक बैटरी चार्जर। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी, जो कि लैपटॉप की बैटरी होती है, इसका ये चार्जर है जो कि मैंने बनाया है। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी को ईजिली चार्ज कर देती है। तो देखिए गाइस, ये बैटरी है, इसको कैप में लगा देते हैं, इसमें होल्डर में। तो ये बैटरी कुछ इस तरीके से इस होल्डर में लग जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए गाइस, ये बैटरी मैंने लगा दी है और अब हमें क्या करना है, इसे सीधा ही बोर्ड में लगाना है। तो चलिए फिर बोर्ड में भी लगा देते हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारा बोर्ड है और इसे इस तरीके से इसमें ऐसे करके लगा देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लगा दिया। बटन को करते हैं ऑन। तो देखिए गाइस, रेड LED जल चुकी है, मतलब हमारी बैटरी अभी चार्ज नहीं है, अब ये चार्जिंग में लग चुकी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये रेड LED ब्लू कलर में चेंज हो जाएगी। तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। तो देखिए गाइस, ये LED ब्लू कलर में चेंज हो गई है, मतलब ये हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। ये लमसम 1.5 घंटे के आसपास में फुल चार्ज हो जाती है हमारी पूरी बैटरी। तो इस तरीके से आप इसे चार्ज कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है और ईजिली ये बैटरी को चार्ज कर देता है। तो चले फिर सीख लेते हैं कैसे बना सकते हैं हम इस बैटरी चार्जर को। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये मैंने PVC का पीस ले लिया है, जो कि मैंने एक फ्लैट कर लिया है। इसे मैंने गर्म करके और इसे फ्लैट कर लिया है। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। उसके बाद चाहिए हमें एक बैटरी होल्डर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये 18650 बैटरी का होल्डर है। ये 2 या 3 में भी आते हैं, पर मैंने ये सिंगल वाला यूज़ किया है इसमें। उसके बाद चाहिए, देखिए गाइस, हमें चाहिए ये एक चार्जिंग मॉड्यूल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक चार्जिंग मॉड्यूल जो कि 3.7 वोल्ट पावर सप्लाई निकालता है और ये 5 वोल्ट लेता है। देखिए यहाँ पे चार्जिंग एडेप्टर लगता है, या जैक कह सकते हैं जैसे, पर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इसके साइड में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लस माइनस, हम उसका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इसमें लगाएंगे। तो इसको भी रख देते हैं और इसे इस पर लगाना शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, इसको इस साइड से हमें इसमें काट लेना है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे ये उल्टी सीधी सी है थोड़ी सी। तो इसको एकदम शेप में लेके आएंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है और इसकी मार्किंग कर लेते हैं कि हमें कितना हिस्सा काटना है। तो ये मैंने स्केल ले ली है और फटाफट से मार्किंग करके इसे काट लेते हैं। तो गाइस देखिए, ये मैंने इसे काट लिया है और देखिए गाइस, ये इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि ये यहाँ पे लग जाए आसानी से। तो गाइस देखिए, इस पर ग्लू गन लगा के इसे चिपका देते हैं इस होल्डर को। तो पहले मैं ग्लू गन लगा लेता हूँ, उसके बाद इसके सेंटर में इसे चिपका देंगे। तो गाइस देखिए, इसके सेंटर में बिल्कुल रख के और इसे चिपका देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने चिपका दिया। अब वायर्स देखिए गाइस, ये बड़े बड़े से हैं थोड़े, इनको भी एडजस्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, ये ब्लैक वाले वायर को तो मैं इधर ही करके और इसे यहाँ पे चिपका दूंगा ताकि ये वायर दिखे ही ना। तो इसमें ग्लू गन लगा के मैं इसी जगह इसे होल्ड कर दूंगा। तो ग्लू गन लगा देते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए, मैंने ग्लू गन ले लिया है, अब इसमें लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, एकदम लाइन की तरह, और इसमें एकदम सटा के लगानी है, मतलब चिपका के, ताकि वायर बिल्कुल इसमें देखे। ब्लैक ये भी है तो ब्लैक वायर भी है, तो दिखेगा नहीं ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए गाइस, इसे चिपका दिया है मैंने। अब देखिए गाइस, ये वायर्स तो बड़े बड़े हैं और इन्हें भी काटना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए गाइस, ये बहुत बड़े वायर हैं। तो पहले देखिए, ये मैंने ले लिया एक वही वाला चार्जिंग मॉड्यूल। अब इसको देखिए, ये यहाँ पर रखेंगे और इस जगह पर रख के, और वायर्स को भी हमें इसी तरीके से आप छोटे छोटे काट लीजिए। मैंने इसमें कोई वायरिंग करनी नहीं है, बस दोनों पॉइंट पे इसे अटैच करना है। देखिए, इस वाले वायर को यहाँ पे और इस वाले वायर को यहाँ पे। इसमें बैटरी के लिए अलग से लिखा हुआ है। देखिए गाइस, मैंने ये चिपका दिए हैं, शोल्ड कर दिए और काट लिए हैं छोटे छोटे से वायर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे। तो गाइस देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें चाहिए एक चार्जर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोकिया का चार्जर है। आप कोई सा भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं, लोकल हो या जैसा भी हो, आप वैसा चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें सीधा बोर्ड में लगाने वाला बनाऊंगा, वरना आप सिर्फ चार्जिंग की पिन भी लगा के उसमें काम चला सकते हैं, पर मैं इसे सीधा बोर्ड में लगाऊंगा और वहाँ पर लगा के चार्ज करेंगे हम। तो देखिए गाइस, ये मैंने चार्जर ले लिया है और इसको मैं इस जगह यहाँ पर होल्ड करूँगा। तो देखिए, मैंने एकदम उसी के शेप का काट लिया है। तो देखिए गाइस, इसे यहाँ पर लगा के ऐसे करके होल्ड करना है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो पहले ग्लू गन लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए, इस वाले हिस्से पे हम ग्लू गन लगाएंगे।
आप सही से ग्लूगन लगाइएगा, क्योंकि ये वेट उसका बैटरी का हमारा थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वो निकल भी सकती है। आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ग्लूगन लगाऊंगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ग्लूगन लगा दी और इसको एकदम सेंटर में इसके चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो गाइस देखिए, अब आप इसे बोर्ड में लगाएंगे तो ये होल्ड कर लेगा इसको, और इसका वेट भी अच्छे से इस पर हो जाएगा होल्ड। पर इसके पीछे भी हम थोड़ी सी ग्लूगन लगा देंगे ताकि ज़्यादा रिस्क ना रहे निकलने का। तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी मैं ग्लूगन लगा दूँगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे भी लगा दिया मैंने और ये एकदम अब हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब ये वेट उठा लेगा उसका। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, देखिए इसके वायर को भी हम कट करेंगे, पर देखिए इसके वायर को इतना करके कट कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा लंबा भी ना रहे और ज़्यादा छोटा भी ना पड़े। तो गाइस देखिए, मैं कैंची से पहले इसे काट लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस देखिए, ये मैंने काट के निकाल लिया है और ये गाइस देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए गाइस, ये वाइट वाला वायर तो हमारा प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, और ब्लैक वाला नेगेटिव है। तो देखिए, पॉजिटिव साइड उधर है, नेगेटिव साइड इधर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको बस यहाँ कुछ नहीं करना, इस जगह पे सोल्ड कर देना और हमारा काम हो जाएगा। तो सोल्ड कर देते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सोल्ड करके और इसे चिपका दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे बोर्ड में लगाना है और हमारा काम हो गया है। तो गाइस देखिए, बैटरी लगाते हैं और इसे बोर्ड में लगा के देखते हैं। और ये देखिए गाइस, ये पूरा हमारा चार्जर बन के तैयार हो चुका है। तो बैटरी लगाते हैं, फिर इसे चार्ज करके देखते हैं। तो गाइस देखिए, ये बैटरी है, तो इसको लगाते हैं कुछ इसमें इस तरीके से। और ये गाइस बहुत अच्छे से चार्ज हो जाएगी और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता ये मॉड्यूल, और चार्ज कर देता है आपकी बैटरी को। तो गाइस देखिए, ये मैंने इसमें लगा दिया। पहले मैं एक बार आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि कितनी है। तो गाइस देखिए, ये मैं वोल्ट मीटर ले आया हूँ और इसको चेक करके देखते हैं कि अभी कितनी चार्ज है। तो गाइस देखिए, कितनी बता रहा है ये, 3.88। तो ये 3.88 के करीब है, मतलब 87 या 78 के करीब मान लीजिए। तो गाइस देखिए, ये हमारा बोर्ड है, इसमें लगाते हैं। तो गाइस देखिए, ये मैंने लगा दिया, बटन को ऑन कर देते हैं। तो गाइस देखिए, अभी रेड एलईडी जल रही है, देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे रेड एलईडी जल रही है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ब्लू एलईडी चेंज हो जाएगी इसकी। तो इसे फुल चार्ज होने देते हैं और उसके बाद निकाल के दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखिए, ये एलईडी ब्लू हो चुकी है, मतलब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए गाइस, ब्लू एलईडी जल चुकी है और हमारी ये बैटरी अब फुल चार्ज हो चुकी है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, आप बैटरी लगा सकते हैं चार्जिंग में और जब ये फुल हो जाएगी तो ब्लू कलर की जलने लग जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।